सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर और फिश फार्मिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील तिवारी, यूपी प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील से। दोस्तों, आप लोग बार बार हमारा एड्रेस पूछते रहते हैं, तो प्रॉपर एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के स्क्रीन पर आप लोगों को दिखता रहता है। आप लोग थोड़ा सा प्रयास कर लिया करिए वो एड्रेस जानो। अगर एड्रेस पूछने के लिए आप फ़ोन करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं यूपी प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक जिस पर हम आप लोग डिस्कशन करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि ईमानदारी से एक टैंक में 10,000 के लीटर के एक टैंक में हम कितना उत्पादन ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, कोई 300 बताता है, कोई 500 बताता है, कोई 400 बताता है। उसी बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। उससे पहले दोस्तों, हम आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहते हैं। आप लोगों से क्या, हम वो जो हमारे यूट्यूबर दोस्त हैं जो इस लाइन में बहुत दिन से हैं, उनसे कुछ बातें कहना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायोफ्लॉक के जो हमारे शुरुआत के ज्ञानी बाबा लोग थे या दोस्त लोग थे, उनमें से कई लोग तो आजकल दिखाई ही नहीं देते हैं कि कहाँ चले गए हैं। और जो एक दो हैं भी जो दिखाई भी दे रहे हैं, उनमें से कुछ लोग तो बायोफ्लॉक को छोड़कर अन्य कामों में लग गए हैं। कोई आपको गोरखपुर भ्रमण करा रहा है, कोई आपको बाइक राइडिंग पर लेकर जा रहा है, कोई आपको, आप लोगों ने देखा होगा तो कॉमेडी सर्कस भी अडॉप्ट कर लिया है, कॉमेडी सर्कस आपको दिखा रहा है, लेकिन बायोफ्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहा है, टैंक की अपडेट नहीं दे रहा है, कल्चर के बारे में कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? कभी आप लोगों ने इसका प्रयास किया जानने का क्यों नहीं है? ये कभी मन में नहीं आया कि ये लोग कहाँ चले गए? अभी तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज अचानक कहाँ गायब हो गए हैं 2-4-6 महीने से। दोस्तों, गायब वो लोग कहीं नहीं हुए हैं। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि झूठ की उम्र कोई बहुत लंबी नहीं होती है, झूठ बोला जाता है वो क्षणिक मात्र तो आपको लाइमलाइट में ला सकता है। जितने भी ट्रेनर और ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, सबके यहाँ से कोई ना कोई आदमी होगा ही उस ग्रुप में। और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो क्या समस्या है आपको इस तरह से, आपने जहाँ से ट्रेनिंग लिया क्या वो सर आपकी मदद नहीं करते हैं, तो वहाँ से हमें जवाब मिलता है कि सर उनका फ़ोन ही नहीं उठता, अगर फ़ोन उठ गया तो कहते हैं कि सर अभी है नहीं, ट्रेनिंग देने में व्यस्त हैं या सर कहीं बाहर गए हुए हैं। तो इस तरीके से जो है गोलमोल रवैया, गोलमोल जवाब वहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि फार्मर बहुत परेशान होता है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि चाहे वो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके गया हो कि नहीं गया हो, अगर आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, आपको लगता है कि आपके माध्यम से उस किसान का कुछ भला हो सकता है, तो हमें और आपको उस चीज़ को जरूर करना चाहिए, चाहे वो हमसे ट्रेनिंग लिया है या नहीं लिया है। ये मेरी पर्सनल सोच है, आप इससे इत्तेफाक रख भी सकते हैं और इसे डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन चाहिए यही कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि जैसे कि आपसे कोई ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा हमारे पास फ़ोन किया हो, अगर आपने आप व्यस्त हैं उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास फ़ोन किया हो हम उसकी मदद किए हों। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि बायोफ्लॉक के सबसे बड़े ज्ञानी आप ही हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं आप अपने आप को आज भी कहता हूँ कि मैं हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। वो आपके फ़ोन कॉल से भी मैं सीखता हूँ, आपके समस्याओं से भी मैं सीखता हूँ, मैं ट्रेनरों से भी सीखता हूँ, जरूर उनकी वीडियो देखता हूँ, सीखता हूँ कुछ ना कुछ, अपने कल्चर से भी सीखता हूँ। मैं अपने आप को कभी परफेक्ट और ज्ञानी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो बायोफ्लॉक के बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो कभी भी बैठ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, और यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उनसे 19 नहीं हूँगा लेकिन 21 भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि
आप लोग एक शब्द सुने होंगे, मैं ही कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं, इसमें बहुत अंतर है। मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं, इसमें खाली थोड़ा सा एक शब्द ही का है, लेकिन इसमें कहने के तरीके अल्फाज में जो है बहुत अंतर आ गया है। मैं ही कर सकता हूं मैं आपको घमंड दिखाई देता है, और घमंड जो है वो रावण का, जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी महापुरुष कहलाता था, उसका भी खत्म हो गया। तो हम लोग तो इंसान हैं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, आप ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान समाज के हित में लगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों से कुछ सीखता रहूं। ईमानदारी से पूछा जाए तो बायोफ्लॉक के 10,000 लीटर का जो वाटर टैंक का कैपेसिटी होता है, उसमें कितना प्रोडक्शन होता है, ये आज भी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन गूंजता है। क्योंकि मैंने भी थर्स्ट कल्चर जहां से सीखा था, उसके आधार पर मैंने भी 300 का टारगेट लेके मैं आगे बढ़ा था, और थाई मागुर का वो मेरा कल्चर था, फर्स्ट कल्चर, और 280-282 के आसपास मैंने उसको सेल कर दिया था, इतना ही मेरा उत्पादन हुआ था उस समय। इस बार मैंने 500 का लक्ष्य बनाया है और 500 के टारगेट को लेकर चल रहा हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आई है, ये 300 या 500 या 700 का रेशियो निकल कर आता कहाँ से। चल मैं दोस्तों अभी इस पर मैं ईमानदारी से कुछ कहूँ तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि मैंने अभी इसका प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं किया है। लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि जो ये 500 का लक्ष्य आया है, ये कहाँ से निकल कर आया है। अगर हम 10,000 या 700 केजी, 800 केजी की तरफ जाएं, तो उसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, जो हमारे ज्ञानी दोस्त हैं, यूट्यूबर मित्र हैं, अगर वो इस पर प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि हमने देखा है इस पर कोई क्लियर, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सब एक दूसरे की बात को कॉपी करके पेस्ट करके बता रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से इस पर अभी तक किसी ने प्रयोग नहीं किया है, इसलिए इसका कोई 100% रिजल्ट आपको नहीं बता सकता है। मैंने इस बार सोचा है इस नए कल्चर में एक टैंक में मैं इसका जरूर लक्ष्य लेके चलूंगा, 10,000 केजी उत्पादन का, और फिर देखते हैं कि हम वहाँ कहाँ तक पहुँच पाते हैं और क्या समस्या हमें आती है, तब उस पर हम डिटेल में आप लोगों से शेयर कर पाएंगे ईमानदारी से कि तब हमने वहाँ क्या समस्याएं देखी और किस कारण हम ये इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए। अभी हमें नहीं समझ में आता है, अगर किसी भाई को समझ में आ रहा हो तो हमको भी ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर आप लोगों के पास है, या आप अपना कमेंट्स बॉक्स में नंबर दे दीजिएगा। अगर इसका जवाब आपके पास है तो मैं ज़रूर कॉल बैक करके आपसे राय ले लूँगा कि ऐसा क्यों होता है, हम लोग क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं।